नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। लोहरदगा में विभिन्न जगहों पर विश्व आदिवासी दिवस में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से लोहरदगा विधायक सर्वित मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उराव और कांग्रेस युवा नेता रोहित उराव शामिल थे। इस अवसर पर कहीं वृक्षारोपण किया गया तो कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कई आदिवासी समाज पर विशेष उनकी उत्थान के लिए चर्चाएं की गई। इसी कड़ी में कुडू प्रखंड के जिंगी ग्राम के अखरा गिरजाघर और मंदिर परिसर में सैकड़ों वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण जिंगी ग्राम के उप मुखिया सूरज प्रताप नाथ शाहदेव के नेतृत्व में कुडू वीडियो मनोरंजन कुमार सीओ प्रवीण कुमार सिंह और लातेहार जिला परिषद के उपाध्यक्ष अनीता देवी द्वारा संयुक्त रूप से आम अमरूद पीपल बरगद अशोक आदि का पेड़ लगाए गए। वही ग्राम में आए मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया। आज हमारे लिए बहुत गौरवशाली दिन है। आज पूरा विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके मान्यता दी है। ये साबित करता है कि पूरे विश्व में आदिवासी की अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा है, अपना रीति रिवाज है और इसकी पहचान पूरे विश्व भर में है। तो आज के शुभ दिन पर मैं सभी आदिवासी भाइयों को, बहनों को, माताओं को, गार्जियन को, यानी हमारे बुजुर्गों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं संदेश देता हूं। आशा करता हूं कि सब हम लोग मिलजुल के सब आदिवासी भाई एक साथ एकता के साथ अपने समाज को आगे बढ़ें। आज आदिवासी दिवस के उपलक्ष पर ग्राम पंचायत जिंगी के ग्राम जिंगी में सैकड़ों पौधा का वृक्षारोपण, मंदिर प्रांगण, आखड़ा परिसर, गिरजाघर परिसर में किया गया। जल जंगल जमीन जब तक नहीं रहेगा आदिवासियों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आदिवासी जंगल से, जमीन से, जल से, जंगल ही नहीं बचेगा तो आदिवासी नहीं बचेंगे। पेड़ रहेंगे तो हम सब रहेंगे। इसीलिए सभी को पेड़ बचाओ और पेड़ लगाओ की ओर बढ़ना चाहिए। वी टाइम न्यूज के लिए लोहरदगा से आनंद कुमार सोनी की रिपोर्ट।